हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सक्सेस मंच चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कि जीएस पेपर फोर, जनरल स्टडी पेपर फोर की इसका सिलेबस क्या है और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन सी बुक्स के द्वारा इसमें पढ़ाई की जा सकती है। बट पेपर फोर तो प्रॉपर तैयारी मैं कुछ हद तक, काफ़ी हद तक दो चार पॉइंट में करा चुकी हूँ, आधे तैयारी हमारी बची है तो वो भी मैं जल्द ही कंप्लीट कराऊंगी। प्लस इसकी न्यू सीरीज़ भी मैं पूरी प्रॉपर अच्छे से लाने की कोशिश करूंगी कि जिसमें न्यू फैक्ट्स, न्यू डिटेल, न्यू एक्स्ट्रा जानकारी सारी यहाँ पर होगी। तो ये जो सिलेबस है ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों को ध्यान में रखकर मैंने लिया है। बट यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी का यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी हो जा रही है, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। तो जब हम सिलेबस करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर बताती चलूँगी कि आप ये पॉइंट्स यूपीएससी के लिए तैयार करिए और ये पॉइंट्स आप करिए यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि जो भी पॉइंट्स डिफरेंट हैं वो हम डिफरेंट वे में यहाँ तैयारी करेंगे। अब हम प्री होने वाला है और प्री के बाद मेंस भी जल्द ही आने वाला है, तो जो भी हमारे पास टाइम है लॉकडाउन के बीच जितनी भी तैयारी हमें करनी है हम कर लेंगे, क्योंकि अब मेंस क्रैक करने की बारी है। तो इस तरह से आप लोग शुरू करेंगे अपनी तैयारी। तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए हम लोग यहाँ देखेंगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतःप्रेष्ठा। तो ये हम देखेंगे एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सारत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। नेक्स्ट है मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका। तो ये जो टॉपिक है ये प्रॉपर हमारे समझ लीजिए आप फिलॉसफी से लिए गए हैं, तो यहाँ हम इसे प्रॉपर एक एक चीज़ यहाँ पर इसे करेंगे। और जो अपने सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उसके लिए लास्ट में मैं आपको बुक्स रेफ़र कर दूंगी कि आप इन बुक्स से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बाकी ये सारे टॉपिक मैं अपने सिलेबस में यहाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर हिंदी मीडियम के लिए मटेरियल बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं प्रॉपर हिंदी मीडियम के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करा सकूं, ताकि आप लोगों को इधर उधर अपने मटेरियल के लिए भटकना ना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अभिवृत्ति, ये ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ एक बार, अब इसको हम नए सिरे से दोबारा करेंगे थोड़ा सा और नया इलेबोरेट करके। तो इसमें हम करेंगे इसका कंटेंट, संरचना, कार्य, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव, संबंध, नैतिक, राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और सहमति पैदा करना, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और करुणा। तो ये सारे टॉपिक हम लोग प्रॉपर वे में हम करेंगे और ऑलमोस्ट मैं कर चुकी हूँ, तो आप लास्ट वीडियो जाके उसे देख भी सकते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पॉइंट्स डिस्क्राइब किए थे। क्योंकि जो नीति शास्त्र है, नैतिकता है, बहुत ही ईजी है। हम जब भी बचपन से पैदा होते हैं तभी हम नैतिक जीवन में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, फ्रेंड्स के बीच रहते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, तो हर चीज़ में हमें नैतिकता की ज़रूरत पड़ती है, नीति शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसे कैसे अपने कॉपी पे ला पाते हैं, कैसे उसे अपनी बुक्स पे आंसर के रूप में उतार सकते हैं कॉपी पे, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वो ही हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ थॉट्स जरूर है, थॉट प्रोसेस नीति के प्रति, बस उसे लिखना कैसे है वो नहीं आता, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सांवेगिक, संवेगात्मक बुद्धि। तो ये है अवधारणा और आयाम, प्रशासन और शासन में उनकी व्यवस्था, उपयोगिता तथा प्रयोग, भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। तो ऑलमोस्ट मैं शुरू करूंगी यहाँ से सांवेगिक बुद्धि से, प्रॉपर ये दो टॉपिक है और यहाँ पर भारत और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिकों का योगदान, ये बहुत ही लेंदी है, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ कि आपको इतने ही विचारक करने हैं, तो फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हमें जो जो मेन इम्पॉर्टेंट लगते हैं हम यहाँ पर वो टॉपिक, यहाँ उनके विचार कवर करेंगे। चलिए आगे बात करें, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा के मूल्य और तथा नीति शास्त्र, इसमें स्थिति और समस्याएं,
सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक सरोकार तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, नियमन और अंतरात्मा, जवाबदेही तथा नैतिक व्यवस्था में नैतिक मूल्य का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था इत्यादि। तो ये हमें ये सारा टॉपिक कंप्लीट करना है। चलिए आगे, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं। तो लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। तो ये प्रॉपर हमें यहाँ पे, भ्रष्टाचार तो एक लंबा टॉपिक हो जाता है इसमें, तो वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। और इसी के ऊपर हम लोगों को केस स्टडी करनी है। केस स्टडी में प्रॉपर हमें सिचुएशन दे दी जाती है, सिचुएशन के ऊपर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो वो हम यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे केस स्टडी में। और जो भी हमने ऊपर टॉपिक देखे हैं, जैसे ईमानदारी होगी, जवाबदेही होगी, पारदर्शिता, तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें केस स्टडी यहाँ सॉल्व करनी होगी। नेक्स्ट, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, जिसे केस स्टडी कहा जाता है। जितने भी टॉपिक हमने ऊपर पढ़े हैं, उन सबसे रिलेटेड कोई भी एक सिचुएशन हमें सॉल्व करने को दे दी जाएगी, और ये सबसे ज़्यादा मार्क्स की होती है और सबसे इजी होती है। तो जितना भी हमने सब कुछ पढ़ा है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे लिखना है, इस सारे टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इसके लिए प्रॉपर एक अलग से हम लोग केस स्टडी सॉल्व करने, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, तो प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, आप देख लेते हैं आप कहाँ कहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। तो एक बुक है पॉलिटिकल थ्योरी की, राजनीतिक सिद्धांत, एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक। तो इसमें से काफ़ी हद तक आपको ये पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट आती है हिंदी और इंग्लिश में, इसको अब भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ करके आप डेफिनेशन ढूंढ सकते हैं, जो जो इसमें ईमानदारी, जवाबदेही, सत्यनिष्ठा की डेफिनेशन दी गई है वो आप देख सकते हैं। प्लस करंट अफेयर से रूबरू रहिए, क्योंकि करंट अफेयर में जो भी नए टॉपिक्स आ रहे हैं, जो भी नए नए मामले भ्रष्टाचार के या योजनाओं के आ रहे हैं, उसको आपको करना ज़रूरी है। मेन इसमें एग्जाम्पल देना होता है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जाम्पल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हर एक क्वेश्चन के लास्ट में या हर एक क्वेश्चन में आपको करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडी जितनी आपको मिल सकती है उतनी सॉल्व करिए। जब भी आप पेपर 4 तैयार कर रहे हो, तो जो भी टॉपिक पढ़ना, उसके बाद उससे रिलेटेड केस स्टडी ज़रूर सॉल्व करना, ताकि आपको केस स्टडी सॉल्व करने में इन द एग्ज़ाम एट अ टाइम प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती होती है केस स्टडी सॉल्व करने की। तो ये हमने आज टॉपिक डिस्कस किया प्रॉपर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको पहले देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मंडे से हम लोग अपने मेंस की सीरीज शुरू करेंगे अच्छे से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।